सो राइट व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आप लोगों का भाई सौरव लुबाना। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर चलिए गाइस कर लेते हैं बात कुछ अपकमिंग हॉरर मूवीज के बारे में, जो कि गाइस आप लोगों को 2022 से लेकर 2023 के बीच में दिखने वाली हैं। जी गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बॉलीवुड और जो है साउथ इंडिया की तरफ से हमें काफ़ी बड़ी बड़ी जो है बहुत ही जो है तगड़ी तगड़ी जो है हॉरर मूवीज दिखने वाली हैं, चाहे वो कॉमेडी हॉरर मूवी हो चाहे वो सचमुच एक हॉरर मूवी हो। काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज हमें जो है डेफिनेटली आने वाले टाइम में दिखने वाली है और रिलीज ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। बिकॉज जो लिस्ट के अंदर मैंने मूवीज डाली है उनको अगर जब तुम सुनोगे कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हारा दिमाग जरूर से चकरा जाएगा। तो चलिए गाइस, अब लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो मूवी आती है गाइस उसका नाम होने वाला है फोन बूथ। सो लीड के अंदर हमें दिखने वाली है कैटरीना कैफ, सिद्धांत चक्रवेदी, ईशान खट्टर एंड जैकी श्रॉफ जैसे काफी बड़े बड़े एक्टर हैं। इसे डायरेक्ट करने वाले हैं गुरमीत सिंह। एंड गाइस, ये मूवी रिलीज होने वाली है 4 नवंबर 2022 को। एंड हमें कहानी दिखाई जाएगी कैटरीना कैफ के एक जो है भूत का किरदार निभाते हुए हमें दिखेंगी, जो कि गाइस जो है भूतों को पकड़ने का काम या फिर मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। तो गाइस ऐसा कॉन्सेप्ट हमें जो है एक साउथ इंडियन में जो मास मूवी देखने को मिल चुकी है। और अगर आप लोगों ने इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, अगर आप लोग कैटरीना कैफ के फैन हो, तो प्लीज कमेंट डाउन कर जरूर बताएं। सो बात करूँ यार अगली मूवी की, तो गाइज वो होने वाली है रॉकेट गैंग। सो रॉकेट गैंग एक हॉरर म्यूजिकल ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको कि गाइज 11 नवंबर 2022 के मौके के ऊपर रिलीज किया जाएगा। हालांकि गाइज ये मूवी काफ़ी टाइम डिले हो चुकी है और इसके हमें लीड के अंदर आदित्य सील, निकिता दत्ता एंड जेसन थाम दिखने वाले हैं। एक जो है कॉमेडी सेंट्रल जो मूवी मुझे लग रही है, बट मुझे नहीं पता कि किस तरह का जो है एक तगड़ा जो है बना सकती है एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर इम्पैक्ट। अगर तुम इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर जरूर बताना। बात करूँ यार तीसरी मूवी की, तो वो होने वाली है भेड़िया। सो भेड़िया एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसके कि लीड के अंदर हमें वरुण धवन, कीर्ति सैनन दिखने वाले हैं। एंड इस मूवी के बारे में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा हाइप थे। एंड गाइस हाँ, इसका जब ट्रेलर आया ना, उस ट्रेलर ने जो अपनी हाइप जो बनाई हुई थी ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है। बिकॉज यार हमें ट्रेलर में जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स एंड काफ़ी तगड़ा जो है VFX देखने को मिल रहा है। और गाइस इसे डायरेक्ट करने वाले अमर कौशिक, एंड ये मूवी होने वाली है तीसरी मूवी हमारी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की। जी हाँ, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जो आने वाली कोई तीसरी मूवी होने वाली है ये। और गाइस इस मूवी को रिलीज़ करना है 25 नवंबर 2022 को। अगर तुम गाइस वरुण धवन के फ़ैन हो और कुछ जो है डिफरेंट मूवी देखना चाहते हो, तो प्लीज़ गाइस इस मूवी को ज़रूर से सपोर्ट कर देना। बात करूँ यार अगली मूवी की, तो गाइज वो होने वाली है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी अद्भुत। जी हाँ, अद्भुत एक अपकमिंग मूवी है गाइज, जिसके अंदर की हमें डायना पेंटी एंड श्रेया धनवर्धन दिखने वाली है, एंड साथ ही साथ रोहित मेहरा। और गाइज इसे डायरेक्ट करने वाले हैं समीर खान। गाइज इसका थाला ही थोड़े दिनों पहले जो है इसका एक जो है ग्लिम्स रिलीज़ किया गया था, जो कि यार काफ़ी तगड़ा लग रहा है देखने में। एंड गाइज ये मूवी गाइज आप लोगों को 2023 में दिखने वाली है। एंड हाँ, इसके अंदर भी इंटेंस जो है हमें हॉरर फील देखने को मिल रही है। सो अगर तुम लोग जो एक्साइटेड हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस मूवी के लिए, सो कमेंट डाउन कर ज़रूर बताना। अगली मूवी होने वाली है छोरी। जी हाँ, छोरी 2021 में गाइस मूवी का जो है सीक्वल होने वाला है छोरी 2, जो कि गाइस हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस लीड के अंदर हमें नुसरत भरूचा एंड गाइस और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर जो कि हमें पहली मूवी के अंदर देखने को मिले थे वो सब देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस छोरी मूवी को जो है हमें अमेज़न प्राइम के ऊपर रिलीज़ करके दिखाया गया था, बट गाइस शायद ये मूवी जो है थिएटर्स में रिलीज़ होगी। और गाइस इसकी अनाउंसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी। एंड गाइस इसे डायरेक्ट करने वाले हैं विशाल फोरिया। और गाइस अभी जो इसकी इनिशियल डेट है वो हमें नहीं पता है, शायद गाइस ये मूवी OTT या फिर जो है थिएटर्स में रिलीज़ हो सकती है। सो अगर तुमने छोरी का जो है पहला पार्ट देखा है और अगर तुम लोग एक्साइटेड हो उसके दूसरे पार्ट के लिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर ज़रूर बताना। सो बात करूँ यार अगली मूवी की, तो वो होने वाली है चंद्रमुखी 2। जी हाँ, चंद्रमुखी वही मूवी है गाइस जिसका कि रीमेक बनाया गया है इस भूल भुलैया बॉलीवुड में, एंड दोनों पार्ट जो है काफ़ी बड़े हिट रहे हैं। एंड चंद्रमुखी जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमें लीड के अंदर रजनीकांत देखने को मिले थे, बट गाइस इस बार जो है हमें लीड के अंदर जो है राघव लॉरेंस दिखने वाले हैं, जो कि गाइस इससे पहले हमें कंचना जैसी काफ़ी बेहतरीन हॉरर कॉमेडी जो है मूवी दे चुके हैं। एंड गाइस अब जो है ये मूवी हमें जल्दी ही 2023 के मौके के ऊपर दिखने वाली है। एंड गाइस हाँ, इस मूवी को भी जो है पैन इंडिया लेवल के ऊपर रिलीज़ किया जाएगा। सो भाई लोग बात करो यार अगली मूवी की, तो वो होने वाली है स्त्री 2। जी हाँ, स्त्री 2 2018 में है स्त्री मूवी का सीक्वल होने वाला है, जो कि यार मूवी काफ़ी बड़ी हिट रही थी। एंड दिनेश विजन की जो स्टूडियोज़ की पहली मूवी होने के बाद ही इतनी बड़ी सक्सेसफुल हासिल करी थी, काफ़ी कम बजट में बनी हुई मूवी ने इतनी बड़ी कलेक्शन कर दी थी। और गाइस जी हाँ, इसके हमें सीक्वल के अंदर भी श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव एंड अपार शक्ति खुराना जैसे काफ़ी बड़े एक्टर फिर से वापसी करते हुए दिखने वाले हैं। एंड गाइस ये मूवी भी जो है हमें जो है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर सेट हुए दिखने वाली है, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी इस मूवी की जो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट जल्दी इसकी शूटिंग अनाउंसमेंट होगी जब गाइस हमें जो है भेड़िया मूवी देखने को मिल जाएगी। एंड उससे पहले आएगी हमें स्त्री मूवी की जो है प्रीक्वल कहानी, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगी ये वाली मूवी। सो यहीं पर गाइस इस लिस्ट का अंत होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबा लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस मैं चलता हूं।